आज हम बात करने वाले हैं हीटरेटिक मिक्सर के बारे में। हीटरेटिक मिक्सर क्या होता है, ये मिक्सर कैसा दिखता है, इस मिक्सर को कैसे बना सकते हैं, आपको हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको हम समझाते हैं कि हीटरेटिक मिक्सर हमारा होता क्या है, और इस मिक्सर को हम लास्ट की वीडियो में समझाएंगे आपको कि इस वीडियो की लास्ट में आप देखोगे आपको हीटरेटिक मिक्सर को बनाने भी आ जाएगा, आप आसानी से बना भी सकते हो। तो क्या होता है और इस चीज को कैसे बना सकते हैं, आपको हम इस वीडियो में बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हीटरेटिक मिक्सर, चलो समझाते हैं पहले। देखो मान लीजिए हमारे पास कोई दो सॉलिड है, चलो मान लिया हमारे पास ए नाम का वो एक सॉलिड है और एक और दूसरा सॉलिड है बी नाम का। मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट चलो 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट पूछा लो, जैसे मान लो चलो 50 जो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मतलब क्या कि ए जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में चेंज हो जाएगा और बी 50 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सुनो, अब जैसे ही दोनों को हम मिला दें, जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो एक मिक्सचर बन के तैयार होगा, और हम ये देखते हैं कि जो ये मिक्सचर है इस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इन दोनों से क्या होगा, कम हो जाएगा, मान लो चलो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, ऐसे दो मिक्सचर जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो, जिनको मिलाएं तो उनका जो बना हुआ मिक्सचर हो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट उन दोनों से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो मिक्सचर है ये रूम टेम्परेचर पर ही हमारा लिक्विफाई होने लगते हैं। मतलब कि अगर हम जैसे इसका एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करें, दो सॉलिड कौन कौन से, तो आपके पास कपूर होगा और आप फिनॉल ले लो, कपूर और फिनॉल को मिलाओ, जैसे ही कपूर और फिनॉल को मिलाओगे तो एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर को आप क्या करो, मिलाते रहो, वो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। थोड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा सही लग रहा है कि दो सॉलिड है, दोनों को सॉलिड को मिलाएं, पाउडर टाइप के होंगे, दोनों को पाउडर को मिलाएंगे और जैसे ही मिलाएंगे दोनों लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल यही बात है, इसी को बोलते हैं हीटरेटिक मिक्सचर। आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत आसानी से कर भी सकते हो। आपको क्या करना है, कपूर ले लो या मेंथॉल ले लो, देखो कपूर ले लो, मेंथॉल ले लो, फिनॉल ले लो, या मान लो जैसे कपूर लिया आपने और फिनॉल लिया, दोनों को मिलाया तो एक मिक्सचर बना। मिक्सचर देखोगे तो वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर पे, मतलब कमरे में बैठ के इसे हिलाते रहो, मतलब उसको घुमाते रहो, मिक्स करते रहो, देखोगे धीरे धीरे वो हमारा लिक्विफाई होने लगता है। तो काफी आसान है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये काफी आसान टॉपिक है, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत आसानी समझ आएगा। अब आपने इस चीज को समझ लिया, अब इस चीज को समझने के बाद आपको हम समझाते हैं, और ये जो आपको मैंने अभी समझाया इस चीज का हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि आप दो मिक्सचर को मिलाओगे और जैसे दोनों मिक्सचर को मिलाओगे वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा चेंज हो जाएगा लिक्विड में। तो यहाँ पे हमने जो हमारा मिक्सचर हमने लिया है वो दो मिक्सचर, हमारा एक कपूर है और दूसरा हमने मेंथॉल को लेके किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप पर और आपको हम इस चीज को बहुत आसानी से दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे दो सॉलिड, एक ही हमारा कपूर और आपको दिख रहा होगा मेंथॉल, ये दो हैं, दो सॉलिड आपको जो दिख रहे होंगे, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं और आपको हम इनको लिक्विफाई करके लिक्विड में हल्का दिखेंगे, तो आप जब मिलाएंगे इनको हम तो ये थोड़ा लिक्विड में चेंज होते हुए आपको हम दिखाते हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कपूर और मेंथॉल को आपस में मिक्स कर दिया है, अब देखना यह है कि यह हमारा लिक्विफाई होता है कि नहीं। तो ये हमारा पूरा मिक्सचर है, इसमें दोनों को मिक्स कर रहा हूँ मैं, अब देखना यह है कि दोनों हमारा लिक्विफाई होता है कि नहीं। तो वेट कीजिए अंतिम तक और वीडियो को देखते रहिए कि हमारा ये दोनों मिक्सचर लास्ट में लिक्विफाई होता है कि नहीं। हमारा जो दोनों सॉलिड है धीरे धीरे हमारा देखेंगे तो आप लिक्विफाई में, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आपको लग रहा होगा कि हमारा लिक्विफाई लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, ध्यान से देखिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा धीरे धीरे आपको लग रहा, देखो ये हमारे जो वॉल है जिस कंटेनर में किया जा रहा है काम उसकी दीवार पर चिपकने भी लगा है, ये देखो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है हमारा। काफ़ी अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, सब कुछ जो हीटरेटिक मिक्सचर आपने अभी पढ़ा है उसको आप इसको रियल लाइफ में अपने देख भी पा रहे हैं। तो दिख रहा है आपको ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता हुआ,
लिक्विफाई हो रहा है हल्का हल्का। अब ये सॉलिड से जब दोनों एकदम पाउडर के रूप में थे दोनों, अब दोनों धीरे 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 हमारे लिक्विफाई होने लगे हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगे हैं। आपको काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है धीरे धीरे ही हमारा लिक्विड की प्रॉपर्टी में एकदम इसकी विस्कोसिटी जो हो रही है एकदम कम होती जा रही है। थोड़ा पहले गाढ़ा था, धीरे धीरे और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है हमारा। तो अगर आप इसको बहाओगे तो ये थोड़ा बह भी सकता है। बहने की प्रॉपर्टी हमारी पता है आपको कि लिक्विड में पाई जाती है। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख के इस चीज़ को समझ पा रहे हो आई थिंक कि दोनों मिक्सचर को जब मैंने मिलाया तो धीरे धीरे वो दोनों आप लिक्विफाई होने लगे हैं। ये हमारा बनके तैयार हो गया लिक्विड। अब आपने सब कुछ चीजों को देखा होगा और सब कुछ चीजों को बहुत आसानी से आप समझ भी गए होंगे। अब लास्ट में बचता है कि जब इन सब चीजों को हम समझ गए हैं तो लास्ट में मैंने एक चीज यहाँ पे फिगर बनाई हुई थी। ये क्या है, बहुत कठिन नहीं है, आसान है समझना। ये चीज मैंने सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि हमारे पास कोई दो सॉलिड ए है और सॉलिड बी है और दोनों को मिला है तो दोनों क्या बन गए हैं, लिक्विड बन गए हैं। इस ग्राफ को बहुत आसानी से, इस चीज को मैंने क्यों बताया, बताने का कारण यह है क्योंकि जब आपके सामने कोई भी जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट द शॉर्ट नोट ऑन यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप शॉर्ट नोट लिखोगे तो आप जब कुछ लिखोगे तो लिखने के बाद ही लास्ट में फिगर भी बना देना, आपको जो पन्ना भरते हो ना वो थोड़ा सा और भर जाएगा, तो काफी आसान होगा, आपको ये हेल्प भी करेगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में इसको भी बता दिया। कुछ है नहीं, बहुत आसान है, आई थिंक आपको यूटेक्टिक मिक्सचर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।